अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है मलाई टिक्का बिरयानी, यानी चिकन मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी। और ये बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही इजी वे से बनी सो है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। सिर्फ 5 से 6 मिनट की मेरी वीडियो है, तो पूरी देखिए प्लीज़। तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी। यहाँ पर मैं 1.5 किलो चिकन ले रही हूँ, मैं इसे धो के वॉश कर ली मैं। और ये बोन के साथ है, अगर आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं आप। थोड़ी प्याज ले रही हूँ मैं, इसे रफली कट कर दी मैं। तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे अभी। पैन में घी डाल रही हूँ मैं, ये मेल्टेड घी है। 3 टेबलस्पून घी डालेंगे, 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल। तेल और घी गर्म हो गए, बस हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ टेंडर हुए तक फ्राई करेंगे प्याज। टेंडर और पिंक हुए तक फ्राई करेंगे जस्ट। तो प्याज देखिए टेंडर हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल लूँगी अभी। 20 से 25 बादाम ले रही हूँ मैं, 20 से 25 काजू ले रही हूँ मैं। बादाम का स्किन निकाल ली मैं। प्याज और बादाम को पीस लेंगे हम, पेस्ट बना लेंगे दोनों का। क्रीम लेंगे 1 पैक फुल, दही लेंगे 1 कप फुल। एक बाउल में मैं दही ऐड कर दी मैं, क्रीम ऐड कर देंगे, क्रीम का सारा पैक ऐड कर दे रही हूँ मैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, मिक्स कर लेंगे इसे। 3 टीस्पून फुल वाइट पेपर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये सारा पेस्ट डाल देंगे, प्याज का और बादाम काजू का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। धनिया ले रही हूँ मैं 1 बंच, पुदीना ले रही हूँ 1 बंच, 6-7 हरी मिर्ची, इसे पीस लेंगे, पेस्ट कर लेंगे इसका, मिक्स कर लेंगे इसे। नींबू डालेंगे 1 से 1.5, 1 नींबू इसमें डाल रही हूँ मैं और 1/2 नींबू ऊपर से डालेंगे। 1 टीस्पून फुल गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, मिक्स कर लेंगे इसे। चिकन ऐड कर देंगे अभी हम मसाले में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 से 1.5 घंटा रख दे रही हूँ मैं मैरिनेशन करके। 1 से 1.5 घंटे के बाद में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, चलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फ्राई कर लेंगे इसे, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं टिक्के को। एक साइड हो चुका है, इसे टर्न कर रही हूँ मैं, देखिए कितना यम्मी सा कलर आया है। तो सारा टिक्का फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ मैं। थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बिरयानी के लिए अखनी रेडी कर लेंगे। तो पैन में मैं 3 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ मैं, 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, साबुत गर्म मसाला ऐड कर देंगे, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्री फूल, लौंग, शाहजीरा, थोड़ा सा क्रैकल हुए बस अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। टिक्की का जो मसाला था वो ऐड कर देंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून फुल वाइट पेपर डाल रही हूँ मैं। नमक फिर से हम चेक कर लेंगे, चेक कर लेके फिर से ऐड करेंगे। और इसे 15 से 20 मिनट में इसे फिर से पकाऊंगी मैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसका फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं चावल कुक कर ली थी मैं, 70% चावल कुक कर ली थी मैं। 1.5 किलो चिकन के लिए 1 किलो चावल ली मैं। तो अखनी ऐड कर देंगे, यानी टिक्का मसाला ऐड कर देंगे, टिक्का ऐड करेंगे। इस पर से तली हुई प्याज ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, चावलों की सेकेंड लेयर ऐड कर देंगे, टिक्का मसाला ऐड करेंगे, टिक्का ऐड कर देंगे,
रास्ते से भी तली हुई प्याज और पुदीना ऐड कर देंगे। फिर चावल की लेयर ऐड करेंगे, उस पर से तली हुई प्याज, 2 टेबलस्पून घी, पुदीना, आधा नींबू का रस और 1 टीस्पून फुल रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ मैं। फूड कलर ऐड नहीं करी, अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते। चलिए इसे 12 से 15 मिनट दम लगा रही हूँ मैं। बारह से 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह मलाई टिक्का बिरयानी देखिए कितने खिले खिले से चावल है। इसे डिश आउट कर रही हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह से मलाई टिक्का बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही लाजवाब बनी है, बिल्कुल इजी टू कुक है। तो ट्राई दिस रेसिपी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।